एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो रिव्यू होने वाला है ना, वो मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ ना बिल्कुल, जिसके रिजल्ट आपको परमानेंट मिलेंगे। और जैसे कि जो टोनर एक्सेल या फिर जो नोज कास्क की मैं अब तक बातें करते आई थी ना, उनको मैं पीछे छोड़ दूंगी, क्योंकि ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त है यार। और इसका रिव्यू का इंतज़ार बहुत लोग कर रहे थे, तो कई लोगों को मैंने नाम भी बता दिया था, कई लोगों को नहीं बताया था। इंस्टाग्राम पर मैंने नाम बता दिया था कि आप ट्रेलोमा ट्राई कर लो। तो इस क्रीम पे, मतलब ये कोई रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी मुझसे इस प्रोडक्ट पे, तो इसे मैंने खुद ही देखा था। ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते रहती हूँ मैं। तो जैसे कि ब्लूमा है, जो एक बिना साइड इफ़ेक्ट के काम करती है, स्किन लाइटनिंग का काम करती है, जिसे आप लंबे समय तक लगा सकते हो अपने स्किन पे। तो मैंने देखा इसका नाम मिलता जुलता ट्रेलोमा, तो मैंने सिर्फ ब्लूमा का जो नाम से मैंने इस क्रीम को बाय किया, और उसके बाद मैंने ट्राई किया। और इसमें हाइड्रोक्यूनिन जो था ना, इसमें 2% भी है और 4% भी है, लेकिन 2% जो था वो सोल्ड आउट था। तो फिर भी मैंने एक महीना कम से कम वेट किया, मैंने कहा शायद ये स्टॉक में आ जाए तो मैं 2% वाला बाय कर लूँगी, लेकिन नहीं आया। फिर मुझे भाई 4% वाला ही ट्राई करना पड़ा। तो इसका डोज ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे नोज कास्क में या फिर आप देखोगे टोनर एक्सेल में, तो उसमें 2% है हाइड्रोक्यूनिन, ठीक है, लेकिन इसमें ना आपको मिलेगा 4% हाइड्रोक्यूनिन। इसलिए इसके रिजल्ट बहुत तेज़ी से भी मिलेंगे और डोज ज़्यादा है। तो इसे मैं बताऊँगी इसे ट्राई कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसका रिजल्ट तो आपको अच्छे मिलेंगे, इसका डोज ज़्यादा है, 2% की जगह 4% हाइड्रोक्यूनिन है, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है, डबल से ट्रिपल इसका प्राइस है, डबल मान सकते हो आप, क्योंकि नोज कास्क जो है वो टोनर एक्सेल से नोज कास्क का प्राइस ज़्यादा है, टोनर एक्सेल का तो बहुत कम है। तो इसका जो प्राइस है ये 600 में आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, 1mg पे तो डिस्काउंट बहुत ही कम मिलता है। 645 इसका प्राइस है, बहुत ज़्यादा है इसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि मेरा एक डायलॉग है कि भले ही प्राइस ज़्यादा हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे हैं तो प्राइस मायने नहीं रखता है, है ना। तो इस क्रीम की क्वांटिटी आप देख लो भाई, खाली बहुत कम बचा हुआ, ये देख लो पूरा मुड़ गया, देख सकते हो ना कि इसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, क्योंकि इसको ट्राई कर लिया गया है। तो फॉर्मूला इसका अच्छा है, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस प्राइस बहुत ज़्यादा है इसका और क्वांटिटी भी इसकी कम है। जैसे टोनर एक्सेल और नोज कास्क की क्वांटिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है, इसमें बहुत कम है, सिर्फ 15 ग्राम इसमें आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। और कंपोजिशन वही है सेम, जो कि एक नोज कास्क में होते हैं या टोनर एक्सेल में होते हैं, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, अब जान लेते हैं इसका रिजल्ट। तो देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पिगमेंटेशन में मेलास्माया है, झाइयाँ हैं, डार्क पैचेस हैं, उनके लिए, ठीक है। स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप हाइड्रोक्यूरिन जिसमें 4% हो वो आप स्किन लाइटनिंग के लिए ऐड करें, ठीक। तो 2% में ही हालत ख़राब होती है कई लोगों की, तो 4% में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि भाई हाइड्रोक्यूनिन है, आप क्यों इसे रिकमेंड करते हो। तो भाई मैं सिर्फ हाइड्रोक्यूनिन क्रीम उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है इस तरह की, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट ना कराना पड़े। और लेजर ट्रीटमेंट में भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो एक बार करा लिया तो दोबारा नहीं आने वाला है। लेकिन मैंने टोनर एक्सेल और नोज कास्क के जो रिजल्ट देखे ना, कि उसे अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो वो वापस एकदम से आ जाते हैं, मतलब ट्राई भी कर रहे हो लेकिन वापस आ जाते हैं। इसके रिजल्ट जो है बिल्कुल आपको अलग मिलेंगे टोनर एक्सेल और नोज कास्क से। ये आपको ना सिर्फ जहाँ पे प्रॉब्लम है उसी एरिया पे लगाना है, पूरे स्किन पे नहीं ट्राई करना। जैसे कि मैंने कहा कि स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग के लिए आपको इस क्रीम को नहीं ट्राई करना है, सिर्फ उन लोगों को ट्राई करना है जिनके पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस है, मेलास्मा है, सिर्फ उन लोगों को इसे ट्राई करना है, ठीक है। तो इसे आप ट्राई करोगे उसी एरिया पे जहाँ पे प्रॉब्लम है, पूरे फेस पे इसे अप्लाई नहीं करना है, और इसे डेली डेली भी अप्लाई नहीं करना है, इतना भी आप ध्यान रख लो। हफ्ते में 1 या 2 दिन सिर्फ नाइट के टाइम, और डे टाइम मैंने बोला है भाई आपको कौन कौन से प्रोडक्ट ट्राई करने हैं। हर एक वीडियो में बार बार उन्हीं प्रोडक्ट का नाम लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नए प्रोडक्ट लेके आऊँ, क्योंकि मैं खुद ही बोर हो गई हूँ एक ही प्रोडक्ट के नाम लेते लेते। तो इसलिए मैंने नोज कास्क और टोनर एक्सेल को अब साइड में ही कर दिया है। अगर अब किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी ना तो वो इसे ट्राई करेगा, एक और अगर पूरे फेस में पिगमेंटेशन हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन वही है, डेली आपको ट्राई नहीं करना है। ये इतनी पावरफुल क्रीम है कि आपको डेली भी, अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन भी ट्राई कर रहे हो तो भी ये वही काम करेगी जो कि टोनर एक्सेल और नोज कास्क काम करते थे।
लेकिन भैया डे टाइम आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है, और हफ्ते में 1 या 2 दिन ही इसे अप्लाई करना है। तो फिर भाई ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में यह है कि रिजल्ट मिलना तो स्टार्ट हो ही जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। 4% है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट दे देगा, तो इसे ट्राई करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। और मैं इसे नहीं कहूँगी कि आप डेली ही इसे ट्राई करो, ठीक है? फिर बाकी आपकी स्किन ख़राब होगी तो फिर आप मुझसे बोलोगे, इसलिए यहाँ पर मैं साफ साफ बता दे रही हूँ कि आपको इसे जब ट्राई करो तो आपको सिर्फ हफ्ते में ट्राई करना है 1 या 2 बार, और बाकी दिन आप कुछ भी नहीं ट्राई करोगे तो भी चलेगा। बस डे टाइम अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके रखिए, और जिस दिन आप ट्राई नहीं कर रहे उसे तो फिर आप कोई फेस ऑयल ट्राई करिए, ठीक है? इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक फेस ऑयल का रिव्यू लेके आऊंगी। फेस ऑयल नहीं है एक्चुअली, वो एक बेबी ऑयल है और बहुत बढ़िया काम करता है स्किन पे, तो उसका रिव्यू जरूर देख लेना, फिर इस क्रीम को ट्राई करना, ठीक है? तो ओवरऑल इसका रिव्यू यही है कि भाई बहुत ही बढ़िया क्रीम है पिगमेंटेशन और मेलास्मा के लिए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, वो लेजर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि हमारी पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल परमानेंट चले जाए, तो फिर इस क्रीम को ट्राई कर लें, और सिर्फ नाइट में ट्राई करना है। क्वांटिटी भी आपको कम ही रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी के जो रिजल्ट है वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि मैंने भी खुद ट्राई किया था, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रख ली थी तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो गई थी मेरे स्किन पर, फिर लेकिन सही भी हो गई 3-4 दिन में। तो इसलिए कम से कम क्वांटिटी ही आप अप्लाई करें, ठीक है? तो रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस पे वीडियो और भी आते रहेंगे। एक वीडियो में सारा कुछ मैं शायद कुछ मिस हो गया हो। ट्रिलोमा क्रीम से अगर कुछ रिलेटेड कोई भी अगर रह गया हो जो मैं नहीं बता पाई हूँ तो फिर आप मुझसे पूछना, उस पर अलग से मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके इस क्रीम को अप्लाई करने पर। तो मिलते हैं अपने किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।